मेला शुरू होने वाला है कल से, और कल से फिर मुकाबला होगा। इन एक्शन हमें दिखेगी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम। और जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की बात करती हूँ तो मैं बार बार मेरे जहन में आ जाता है वही फाइनल, जहाँ मैं तो दिल से बड़ा चाहती थी कि न्यूजीलैंड जीत जाए, बिकॉज द काइंड ऑफ गुड बॉयज दे आर, और मतलब गुड बॉयज के साथ साथ द काइंड ऑफ मैच दे प्लेड, द काइंड ऑफ वर्ल्ड कप दे प्लेड इन 2009। बट यस, हार्ड लक के लिए आप कहते हैं ना, लक जो है वो बहुत ज़रूरी होती है क्रिकेट में। जहाँ टैलेंट ज़रूरी होता है, टेक्निक ज़रूरी होती है, वहाँ लक भी बहुत एक मेजर फैक्टर होता है। और इंग्लैंड जो है वो बाउंड्रीज के ऊपर जो है उसने जीत हासिल की और वर्ल्ड कप चैंपियन बनी। सो यस, वर्ल्ड कप की डिस्कशन हो रही है यहाँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, बट साथ ही साथ उमेर, एशियन गेम्स के क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, एशियन गेम्स की जो सूरत हाल है बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। पाकिस्तान का सामना करेगा अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के अलावा जो दूसरा सेमीफाइनल है, दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। और अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच ज़बरदस्त मैच रहा, जिसके बाद अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान सेमीफाइनल में आमने सामने होने जा रहे हैं। तो ये तो थी एशियन गेम्स के हवाले से। अब हम अपने मेहमानों को भी तारुफ करवाते हैं, लेकिन मेहमानों के साथ साथ हमारी फैमिली में एक और इजाफा हुआ, स्पार्क्स का भी इजाफा हुआ है। लेकिन पहले द लेजेंड मुश्ताक अहमद मुशी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मुशी भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम सलाम। यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, लेजेंडरी बल्लेबाज और हम सब के फेवरेट। यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारी फैमिली मेंबर जिनका इजाफा हुआ है, फैमिली मेंबर का इजाफा नहीं हुआ, ये फैमिली मेंबर हमारे पास जो है एशिया कप से हमारे साथ मौजूद हैं, और ये फैमिली मेंबर यहीं, ये तो ऐसा लग रहा है कि मुझे आदत सी हो गई है इसको यहीं पे देखने की। तो हमारे साथ स्पार्क्स जो है वो मौजूद है। एंड स्पार्क्स, फिर आपको क्या मिलता है स्पार्क्स के थ्रू, ये भी आप लोगों को पता है। जाहिर सी बात है, सेलफोन्स की भरमार होने वाली है। आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे कहते हैं ना, वो ग्रूव में आ रहे हैं वर्ल्ड कप के। सो वर्ल्ड कप का ग्रूव जो है वो शुरुआत हो रही है। बट ऐड करता हूँ, लेकिन मोबाइल फोन के साथ अब एक जदीद दौर आ रहा है, जिद्दत आ रही है, तो एसेसरीज का भी इजाफा हो रहा है। तो स्पार्क्स के पास उसका भी हल है, तमाम एसेसरीज भी जो है उनके साथ मौजूद है। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड कप की जानिब। बिल्कुल, और जब शो का एंड होगा तो उस पर और बताएंगे कि स्पार्क्स की एक्सेसरीज और जो लकी ड्रॉ है और वर्ल्ड कप फाइनल तक क्या क्या आप जीत सकेंगे, क्या क्या नहीं, वो सारी डिटेल्स आपको एंड ऑफ द शो पे दिखेंगी। तो यहीं बंधे रहिए, यहीं टिके रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग जोर का जोड़, बिकॉज वी आर कंटिन्यूइंग नाउ आवर डिस्कशन। और एशियन गेम्स की जिस तरह बात की मुशी भाई, एक चीज़ ज़रूर एक कंसर्न था, बिकॉज एशियन गेम्स में जो हमारे लड़के गए, दोज आर दी सेकेंड स्ट्रिंग ऑफ आर टीम। उसकी बात करें तो हम हांगकांग के अगेंस्ट खेल रहे थे, ठीक है, हांगकांग को हमने बहुत जल्दी आउट किया, बट जिस तरह हमने हांगकांग के अगेंस्ट बैटिंग की, दैट वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग। हैदर अली एक ऐसा टैलेंट हमारा एक लड़का आया था, जिसने इंग्लैंड में जब पाकिस्तान टीम में से किसी ने कुछ नहीं किया तो हैदर स्टूड वेरी फर्म, एंड हैदर वॉज वन, वो कहते हैं ना, एक चमक दिखी थी हमें हैदर में, वो चमक कहीं मध्यम हो गई, कहीं गायब हो गई। हांगकांग के अगेंस्ट भी ही कुड हार्डली मेक फोर और सिक्स रन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक हैदर अली की बात अगर आप करते हो तो एक टाइम पे हम देख रहे थे कि ही विल बिकम अ वेरी वेरी गुड क्रिकेटर। अच्छा, ये हमारा ये अलमिया है प्लेयर की तरफ से कि प्लेयर को जब मौका मिलता है तो उसको रिलाय दूसरों के ऊपर नहीं करना चाहिए, बट सम प्लेयर, सम पीपल यू हैव टू डिवेल्प देम। अच्छा, ये वो डिवेलपमेंट प्रोग्राम के अंदर कई दफ़ा हम लोगों को इतना डिस्कार्ड कर देते हैं कि गिव अप कर देते हैं। वो गिव अप नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोग जो होते हैं ना, वो शेकी स्टार्टेड होते हैं, स्लो स्टार्टेड होते हैं। तो ये हैदर अली की जो पर्सनालिटी है, मैं उसके साथ काफ़ी काम किया हुआ है, वो ऐसा करेक्टर है, इसको उसको, उसको उसको उठाना पड़ता है, उसको लेके चलना पड़ता है। तो आई थिंक हैदर जो है, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर, वेरी गुड बैट्समैन। बट आई थिंक कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन व्हाट यू आस्क, के हमारे जो स्ट्रेंथ है ना, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में, कई दफ़ा डोमेस्टिक क्रिकेट में मुझे इस पर बहुत मेरा फर्म बिलीव होता जा रहा है कि यू हैव टू ब्रिंग योर बेस्ट कोचेस इन डोमेस्टिक क्रिकेट। आई टेल यू वन थिंग व्हाई आई एम सेइंग दिस, यू हैव टू ब्रिंग यूनुस खान, यू हैव टू ब्रिंग द यंग पीपल लाइक मिसबा, यूसुफ, ये लोगों को आप कॉन्ट्रैक्ट दें अच्छे तगड़े। जैसे जस्टिन लैंगर करके आया, वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की करके आया था, ये दूसरे लड़के जितने भी हैं अपना, ये कैटरिज है, वो उसने साउथ न्यू साउथ वेल्स की उसने कोचिंग की। अब पूरी दुनिया में ये सिस्टम होता है, बड़े प्लेयर जो होते हैं ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते हैं, और वहाँ पे जाके अब यूसुफ के साथ अगर हैदर अली रहे दो साल के लिए और उस टीम का हिस्सा हो, यूसुफ उसको ये तो सिखाएगा ना कि फेलियर से निकलने का तरीका क्या है। शायद यूसुफ उसकी टेक्निक इतनी बेहतर ना कर सके, यूसुफ उसको 100 करने का तरीका जरूर सिखाएगा कि मैं 100 किस तरह करता था, जब मुझ पे 3 इनिंगें फेल होती थी मैं क्या सोचता था, मेरे वर्क एथिक्स क्या है, क्यों ही डन इट।
सो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जब आप ऐसे कोचेज लेके आएंगे तो होगा क्या कि आपकी जो ग्रोथ रेट है ना, जो यंग पीपल, द पीपल आई वांट्स टू प्ले फॉर पाकिस्तान, उनकी जो फास्ट ट्रैक बड़े जल्दी हो जाएंगे. तो आई थिंक ये थोड़ी सी एक दो चीज़ें हैं जो हमें पीसीबी को देखनी चाहिए कि हमारे बड़े नाम ज़रूर ग्रास रूट पर जाने चाहिए. और ग्रास रूट की जब मैं बात करता हूँ ना, तो अंडर 19 लेवल, आपका अंडर 19 लेवल, आपका डोमेस्टिक क्रिकेट, ये मैं बात करता हूँ क्योंकि यहाँ से आपको ऐसे प्लेयर मिलने हैं जिन्होंने जाके पाकिस्तान, राहुल द्रविड़ इंडिया में अंडर 19 को कोच करते रहे, कितने दो तीन साल किए ना उसने, फिर उसको कर दिया. अब मैं इसमें होता है क्या है, जैसे मिसबा है, मिसबा ग्रेट कैप्टन, कैप्टनसी छोड़ी, क्रिकेट छोड़ी, सीधा आपने उसको कोच लगा दिया. ये नहीं कि मिसबा को कोचिंग नहीं आती, मिसबा इज अ वेरी गुड कोच, बट एक प्रोसेस के थ्रू अगर आप सिस्टम के थ्रू लोगों को लेके आएंगे ना, तो मैटर करता है. हर बंदे को ये पता होगा कि इफ आई वांट टू बिकम अ पाकिस्तान कोच, दिस इज अ सिस्टम. जिस तरह यूसुफ या मैं या फरीदी या कोई भी बंदा पाकिस्तान खेलता है ना, तो एक सिस्टम के थ्रू आता है. अगर आप बहुत ब्रिलियंट होते हैं तो फास्ट ट्रैक जरूर होते हैं, एक दो केसेस फास्ट ट्रैक जरूर किए जा सकते हैं, मगर प्रोसेस होना चाहिए कि इन लड़कों को जब ये डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल के आएंगे, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी तगड़ी होगी हमारे कोचेस की वजह से इंशाल्लाह, और हमारे जो पाकिस्तान टीम में जब ये कोचेस बनेंगे ये लोग, तो ये तगड़े कोच बन के आएंगे. बट यूसुफ, एक एज एन आउटसाइडर अगर मैं टीम से बाहर बैठ के एक चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ, पता नहीं आई माइट बी रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट कर सकेंगे, एक लड़का जो कि नया नया टीम का हिस्सा बनता है, नेशनल टीम में आता है, उसका लेवल ऑफ दिलेरी, वो फियर फैक्टर, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. वो बड़ी दिलेरी से खेलता है, बड़ा चढ़ के खेलता है, बट वंस वो ज़्यादा टाइम टीम में गुजारना शुरू करता है, उसका फियर फैक्टर बढ़ना शुरू हो जाता है और वो खिंचने लगता है अपनी चीज़ से. हैदर भी एक एग्जाम्पल ये थी, मैं जो हांगकॉन्ग के मैच की बात कर रही हूँ, उस हांगकॉन्ग के मैच में सिर्फ अगर चढ़ के बैटिंग की किसी ने, आमिर जमाल ने की, बिकॉज वो कम अभी तक ज्यादा एक्सपोज, एक टीम पाकिस्तान से एक्सपोज नहीं हुआ उस तरीके से, और पिंच हिटर है वो, उसकी एबिलिटी यही है कि डाउन दी ऑर्डर आके आमिर ने ये करना है, बोलिंग जाहिर सी बात है वो करते मेन पोर्टर. दूसरी तरफ अरफात मिनहास ने, यंग लैड, हमारे जो सारे सीनियर्स उसमें खेल रहे थे, हैदर खेले, खुशदिल खेले, आसिफ खेले, ये तो हमने तो इनके ऊपर टैग लगाया हुआ है कि ये हमारे पिंच हिटर हैं. आसिफ और खुशदिल तो हम हमेशा कहते रहे कि वो हमारी पिंच हिटिंग का काम कर सकते हैं, बट वो ऐसा नहीं खेले जिस तरह अरफात और आमिर जमाल ने स्पार्क दिखाया. ये दोनों ऑलराउंडर हैं और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, साथ लेफ्ट आर्म बैटिंग करता है अरफात मिनहास, और फील्डर भी बड़ा अच्छा है. मैंने अभी देखा है इसको, ये अंडर 19 जो लीग हुई थी उसमें से मेरा ख्याल आया है, पीजीएल में से. हाँ, बड़ा एनर्जेटिक प्लेयर है और हेल्थी है, इसमें तीनों चीज़ें हैं, फील्डर भी है, बैटर, इसी तरह आमिर जमाल भी है. अब क्वेश्चन जो आपका था कि जब टीम में आते हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा इनमें वो फड़क होती है, जैसे पंजाबी में. देखिए, मैं इसको जैसे मुशी भाई वगैरह भी कहते हैं कि अपनी बात नहीं करनी चाहिए. हम लोग टीम में आए थे और बहुत बड़ी टीम थी जब उस टीम में हम आए थे, उस टाइम तो टीम के अंदर आ जाना ही बहुत बड़ी बात है. मुशी भाई ने एक और बड़ी अच्छी बात की कि हैदर अली को वो चाहिए होती, पुश चाहिए होती, पुश सबको चाहिए होती है, लेकिन आपके अंदर कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो आपको पिंच कर रही होती है कि यार मैंने यहाँ रहना है, ये प्लेयर खेल रहे हैं, मैंने इनसे अच्छा प्लेयर होना है, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. इसमें आपको डिस्ट्रैक्शन वो चीज़ें हैं जो उससे हटना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा. बाबर आया, नया आया था टीम में, बढ़ते ही गया, एक देखे स्टेप बाय स्टेप वो कहाँ पहुँच गया, किसी को कोई रोकता नहीं है, और सबके लिए वैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जैसे किसी भी नए प्लेयर के लिए होती हैं. मौके मिल रहे होते हैं, आप सब लड़के खेल रहे हैं, पूरी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं, लेकिन फिर भी जैसे आपने बात की कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इसका मतलब अपने अंदर कोई प्रॉब्लम है, अपनी कोई जो प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है, उसमें कोई ना कोई कमी हो सकती है, क्योंकि सारी चीज़ें तो मिल रही हैं, प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है. ये आमिर जमाल और ये जो दूसरा लड़का है, इन्होंने कैसे स्कोर किए, और हो सकता है कि ये तो खैर इस मैच में, मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि जो पीछे टूर्नामेंट विमेंस का आया, जो हमें बताया जा रहा था कि विकेट ऐसी है 70 पे आउट हो रहा है, कोई 60 पे आउट हो रहा है, अंडर डेवलप विकेट है, ये भी हो सकता है कि अर्ली ऑन ये भी हुआ हो, लेकिन ये है कि जो नॉर्मल बात की जाए तो इन प्लेयर्स को अपने आप पे खुद भी काम करना, कोचेस सारी चीजें बताते हैं, ऐसी बात नहीं है. क्लैरिटी दे देंगे क्या हमारे सेटअप में, ऐसा नहीं कहा जाता लड़के को कि नहीं जी वी में खेलो, अच्छी बात है, इधर उधर ना खेलो, वी में खेलना चाहिए. मतलब हैदर से जब बात की जाए, बिकॉज हमने अपने पास शोज में हैदर से ऑन ईयर बात की है, उसके गेम को तब्दील करने की कोशिश की गई एट द नेशनल लेवल.
नहीं, वी में तो कोई कह ही नहीं सकता ना, वी में कैसे कहेंगे आजकल की क्रिकेट में, वी क्या करेगी मुझे पता है, वो तो फ्लैट विकेट है, 350-400 रन करने। हम तो ये कहते हैं कि भाई रिवर्स स्वीप भी मारो, सीधी स्वीप भी मारो, एक्स्ट्रा कवर मारो, मिड विकेट मारो, स्कूप मारो, लेकिन प्रॉपर तरीके, पूरी दुनिया खेल रही है, इंग्लैंड क्या कर रही है, इंग्लैंड सारी शॉटें खेल रही है लेकिन तरीका सही है, उनका बेंट अकर है उसकी आप स्वीप शॉटें चेक करें, हेड राइट ऑन द बॉल के ऊपर होता है, ऊपर उसका सर गया होता है, ये नहीं आप स्वीप मारे तो आप ये इस तरह तो आउट हो जाएंगे, प्रॉपर तरीके से खेलना, कोई शॉट खेलने से कोई नहीं रोक सकता, जो रोकेगा वो बिल्कुल गलत बात है, स्कोर करने आपने आजकल की क्रिकेट में, मॉडर्न क्रिकेट में आपको स्ट्राइक रेट ऊपर रखना है, एवरेज की इतनी फिक्र नहीं करनी जितनी स्ट्राइक रेट की फिक्र करनी, तो स्ट्राइक रेट उसी वक्त होगा जब आपको एक बॉल को 3-4 जगह हिट करनी आती हो, इम्प्रोवाइज करना। मुश्वाई, हमें अब एक पाकिस्तान जो मिस करता है एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, अब्दुल रजाक, अजहर महमूद, अभी तक कोई रिप्लेसमेंट ऐसे इनकी टीम में परमानेंट मेंबर आया नहीं है, आमिर जमाल की सूरत में आपने उसको देखा है, क्या हमें वो रिप्लेसमेंट मिल सकती है अगेन, और अगर वो रिप्लेसमेंट बन सकती है तो अब बोर्ड का यहाँ पर क्या किरदार बनता है कि कैसे उस लड़के को डेवलप किया जाए? देखिए, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, उसकी परफॉर्मेंस को आप देखे जाए, देखें कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या कंसिस्टेंसी है उसकी परफॉर्मेंस के अंदर। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिलेक्शन में उसको देखा जाए कि उसका टेम्परामेंट, इज ही रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान येट और नॉट। अगर वो पाकिस्तान से रेडी है खेलने के लिए तो आप उसको खिलाएं। ऑलराउंडर्स का ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ एक ऑलराउंडर है, थोड़ा बहुत बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है और आपने उसको डालना ही डालना है। आपके पास फहीम अशरफ है ना, फहीम अशरफ इज अ काइंड ऑफ ए वेरी गुड ऑलराउंडर, मैं तो कहता हूँ उसको, इज एट द मोमेंट इज गुड ऑलराउंडर ना, फिर पाकिस्तान वापस भेज दिया। मेन कहने का मतलब जब आप ऑलराउंडर्स के ऊपर फोकस करते हो तो जो ऑलरेडी आपके पास है उनको क्यों डिस्कार्ड करते हैं? उनको डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं ना, फिर आप गिव अप कर देते हो, फिर आप कहते हो भाई ये उसको नहीं, ये कर दिया, फलां कर दिया।